Vidya, the school management. सेटिंग मॉड्यूल के बारे में आपको बता दूं, सेटिंग मॉड्यूल्स में आपको मिल रहे हैं चेंज सेशन, स्कूल सेटिंग, फी नोट, बेल, सर्वर सेटिंग, सॉफ्टवेयर सेटिंग एंड डेटा बैकअप। तो चेंज सेशंस के बारे में डिटेल में अगर बताऊं तो चेंज सेशन मीन्स आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है, आप सेशंस को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रीवियस सेशन हो या नेक्स्ट सेशन को आप यहाँ पे एक्टिव करके उस पर वर्क कर सकते हैं। स्कूल सेटिंग्स, स्कूल सेटिंग की बात करें तो स्कूल सेटिंग यहाँ पे जैसे स्कूल की सेटिंग करना, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ब्रांच टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन ब्रांच, बोर्ड इंग्लिश हिंदी बोर्ड, ब्रांच कोड एग्जांपल 001, रजिस्ट्रेशन या एफिलिएशन नंबर, यहाँ पे आप एफिलिएशन नंबर यहाँ फिलअप कर सकते हैं, नेम स्कूल का अपना नाम, स्लोगन, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, सिटी, कंट्री, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी स्कूल की और एक वेबसाइट, ये डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करने होते हैं। साथ में यहाँ पे लोगो, स्कूल की जो लोगो है आप यहाँ पे लोगो अटैच कर सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म फाइल पे जहाँ भी आपने लोगो को सेव किया वहाँ से लोगो को फॉर्म फाइल से आप जाके ब्राउज कर सकते हैं। प्रिंसिपल सिग्नेचर है, प्रिंसिपल सिग्नेचर में आप फॉर्म फाइल से यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। हेडर, अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में हेडर सेट करनी है या फुटर सेट करनी है तो वो भी आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके रख के फॉर्म फाइल से आपको जाके वो चीज़ें ब्राउज करनी होती है। फिर स्कूल सेटिंग के बाद यहाँ पे आपको फी नोट मिल रहा है, फी नोट में क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको फी नोट दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने कुछ फी नोट्स पहले से दिखाया हुआ है। फी नोट पे आप एक नोटिस जो रिसिप्ट के साथ अगर नोटिस आप जो देना चाहते हैं वो नोटिस यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अलग अलग आपको यहाँ फॉन्ट मिलते हैं, फॉन्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप। लेफ्ट फुटर हेडलाइन, राइट फुटर हेडलाइन, जिसकी अगर प्रिंसिपल नेम या अकाउंटेंट नेम आप लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे ये आना है। एक बार फी नोट आप यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे और फिर फी में आप वो चीज़ें शो करा सकते हैं। सेटिंग में आपको यहाँ पे बेल की ऑप्शन मिल रहा है, बेल जैसे मैंने बताया बेल सेटिंग यहाँ पे आप करना होता है, बेल सेटिंग के लिए बेल यहाँ पे बेल सेटिंग का नेम डालना होता है, डे सेलेक्ट करनी होती है, फिर सेलेक्ट टोन करना होता है आपको किस तरह का बेल आपको यहाँ पे रिंग कराना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रेयर ले लेता हूँ तो प्रेयर यहाँ पे सेट करना होगा, यहाँ पे टाइमिंग लिखनी होती है किस टाइम पे उस बेल को आपको यूज़ करना है, ये हो गया हमारा मॉर्निंग टाइम, इसको हम ऐड करना चाहें तो ऐड करा लेंगे और इस तरह प्ले करके देखना चाहें तो यहाँ पे प्ले हो रही है, आपका ये बेल सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग में आगे आपको मिलता है सर्वर सेटिंग, सर्वर सेटिंग में जैसे आप अपने यहाँ सॉफ्टवेयर में आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं, सर्वर होस्ट सेट कर सकते हैं, डेटाबेस नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड, सॉफ्टवेयर मोड सर्वर है कि क्लाइंट है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सेटिंग में, सॉफ्टवेयर में जैसे सेंडर आईडी है, मीन्स कि अगर आप एसएमएस फैसिलिटी हमारा यूज़ कर रहे तो उसमें एक सेंडर आईडी होती है, सेंडर आईडी को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 6 कैरेक्टर होता है तो आप यहाँ पे जो भी सेंडर आईडी लिखेंगे वो सेंडर आईडी यहाँ पे सेट हो जाएगा। रिसिप्ट पेज, जो भी रिसिप्ट आपके सॉफ्टवेयर से जनरेट करेंगे होगा उसकी डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे आप करके रख सकते हैं पहले से। रिसिप्ट डेट एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हैं, रिसिप्ट डिस्काउंट एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। रिपोर्ट पाथ, ये मार्कशीट वगैरह, मार्कशीट निकालना हो आपको या फिर कोई भी अदर रिपोर्ट्स हैं उसके पाथ यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं गेट पाथ में जाके, वो जहाँ पे आपने रिपोर्ट रखा है उसको गेट पाथ से आप जाके डिसाइड कर सकते हैं। लोकेट कराने के बाद बैकअप पाथ एक लोकेट करा देंगे, सॉफ्टवेयर का जो बैकअप जहाँ पे सेव होगा उस पाथ को लोकेट करा सकते हैं यहाँ पे, फिर इसको आप सेव कर लेंगे। जैसे आप सेव करते हैं ये रिस्टार्ट होता है, आफ्टर रिस्टार्ट ये सेटअप को सेट कर लेता है, फिर से आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। तो ये हमारे सेटिंग का जो फीचर्स हैं, सेटिंग के फीचर्स यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। लास्टली यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ डेटा बैकअप, डेटा बैकअप सभी सॉफ्टवेयर से अभी सभी जो चीज़ें हैं जो भी आप यूज़ करते होंगे उसमें बैकअप की इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बैकअप हमारे में यहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैकअप का मतलब डेटा बैकअप, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके रखता है, बस आपको पाथ डिफाइन करना है और बैकअप क्रिएट करना है।
जैसे आप बैकअप पे क्रिएट करते हैं, एक मैसेज देगा बैकअप क्रिएट कंप्लीट, मतलब कि आपका बैकअप ये बन चुका। तो डेली बाय डेली आप बैकअप्स को रख सकते हैं निकाल के। रखने का इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, इन फ्यूचर अगर आपका डेटा लॉस होता है या कुछ भी होता है तो ये बैकअप आप यूज़ करके उसको फिर से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो डेटा बैकअप टाइम टू टाइम आप निकालते रहिए।